अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं इश्तियाक अली। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कराची से। अयूब गोट सिंध सोसाइटी के करीब आवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया। फायरिंग से दो अफराद जख्मी हो गए जिसको हस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची से हमारे एसएम न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर राजपत की रिपोर्ट के मुताबिक कराची की हालत एक बार फिर खराब। शहर में डकैती की वारदातों में इजाफा। न्यू कराची में लोगों के तशद्दुद में एक डकैत हलाक हुआ। हलाक होने वाले की शराफ़त हाल ना हो सकी जिसकी उम्र 30 साल बताई जाती है, जिसको अब्बासी शहीद हस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानब न्यू कराची यू गोट के करीब फायरिंग से दो अफराद जख्मी हो गए जिसको हस्पताल मुंतकिल किया गया। जराए का कहना है कि डकैती की वारदातों से शदीद जख्मी होने वाले अफराद को छीपा एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी हस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त माजिद वल जामीन उम्र 28 साल और जुनेद वल विलायत उम्र 25 साल बताई जाती है।